छठ पूजा की दरभंगा समाचार के परिवार की ओर से आप सभी को हार्दिक शुभकामना। नमस्कार, दरभंगा समाचार में आपका स्वागत है। हर जगह की तरह आज दरभंगा में भी छठ पूजा में बड़ा उत्सव देखा गया, क्योंकि पूर्व 2 साल पहले जिस तरह से छठ मनाया जाता था, आज उसी तरह से घाट पर जाकर लोगों ने छठ मैया की आराधना की और बड़े ही धूमधाम से छठ मनाया गया। जी हाँ, तो लाइव तस्वीर आप देख पा रहे हैं दरभंगा समाचार से, कई घाटों की विजुअल हम आपको दिखला रहे हैं। देखिए इस तस्वीर में, हालांकि ये छठ पर्व बड़ा ही पवित्र माना जाता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार लंका पर विजय प्राप्त करने के बाद राम राज की स्थापना के दिन भगवान राम और माता सीता ने उपवास कर सूर्य देव की आराधना की थी और सूर्य देव से आशीर्वाद लिया, जिसके बाद ही इसे हर जगह इस छठ पूजा को मनाया जाता है। संध्या की पूजा की फल लगाए हम महापौर और सभी परिवार के लोग, मोहल्ला के लोग और समाज के सभी लोग मनाते हैं। और छठ मैया जो अभी देश के अंदर जो है, इससे लोगों को बालू भात यहाँ हर साल के भांति संध्या कालीन से लेकर सुबह तक यहाँ डाला रहती है और यहाँ भव्य व्यवस्था की गई है। हमारे मोहल्लावासी भी सभी लोग छठ व्रतियों की सेवा करने के लिए तत्पर हैं और हम अपेक्षा करते हैं कि यहाँ किसी छठ व्रती को, उनके परिवार के लोगों को किसी तरह की कोई कठिनाई न होना होने न पावे। दुर्घटना से बचने के लिए यहाँ बैरिकेडिंग कराया गया है, कपड़ा बदलने का भी जगह रखा गया है और हम लोगों की पूरी कोशिश है कि एकदम स्वतंत्र होकर के लोग यहाँ छठ पर्व मनावे एवं खुशी खुशी इस आस्था के महापर्व पर्व को संपन्न करावे। हमारे बालूघाट निवासी एवं इत्र अगल बगल के जो भी हमारे साथी हैं, सभी इसमें तन मन धन से लगे हुए हैं। यह पर्व किसी व्यक्ति विशेष का नहीं है, अपने तो सब कर लेगा लेकिन दूसरे को ख्याल रखना इस पर्व पर यही सबसे बड़ा महान काम है, यही सबसे बड़ा पुण्य का काम है। पूजा तो हम लोग को जो है करना ही है मैया का कृपा से, लेकिन ये तक गंदगी में मर भी हम लोग को करना पड़ रहा है, लेकिन जो पूरा क्या स्थिति है यहाँ, किस तरह का माहौल बना हुआ था यहाँ पर? माहौल तो देखते रहे, माहौल क्या है तो सब समाज का लड़का मिल करके अपने कहीं कोई अथी नहीं करता है, तो कोई अथी नहीं है, लेकिन कार्बो लेबर दिया उसका कोई लेबर यहाँ नहीं है। कौन सी वार्ड पड़ती है? वार्ड पड़ती है इधर 7 का भी है, उधर 6 का भी है, थोड़ा सा नहीं है, मेरा 7 का भी है। तो क्या मतलब कोई आश्वासन नहीं मिला था? मिला वही दो लेबर उस दिन कार्बो लेबर इधर के बाद समाप्त रहेगा, बार भरा हुआ है अब सब लड़का था अपने मिल कर गंगा शुरू कर दिया। कोरोना की डिस्चार्ज जो हम लोग मना रहे हैं, ऐसे गर्मी नहीं है यहाँ पर, बहुत शांतिपूर्वक स्थिति है, तो कहाँ जाए, कोई सरकार की तो कोई व्यवस्था है नहीं, कोई व्यवस्था करके कहीं पर हम लोग करें। क्या नाम है? रामकृष्ण। कौन सी जगह है? बालूघाट। गंदगी के अंबार में बालूघाट लोहरसारी का जो घाट है उस पर हम लोग छठ करने जा रहे हैं और जिला प्रशासन या नगर निगम
के तरफ से कोई सुविधा इस घाट पर नहीं है। तो आप देख रहे हैं पूरा गंदगी का अंबार है। और जो मतलब जिला प्रशासन उन लोगों को जो बताए थे गाइडलाइन जो जारी हुआ था कि नदी में छठ नहीं होगा, तो जिला प्रशासन उनका कोई वैकल्पिक व्यवस्था क्यों नहीं कर दी वहाँ पर हम लोग छठ कर सकें। आप देख रहे हैं सारा जगह गंदगी है, इसी में हम लोग छठ पूरा मना रहे हैं। और आगे बढ़ जिला प्रशासन जरूर कहेंगे कि गंदगी का अंबार को स्वच्छ भारत मिशन पर ध्यान देकर छठ पूजा को मनाने का आग्रह करेंगे। बस नगर निगम फैलोर नगर निगम है, इसमें कोई सुविधा ही नहीं है नगर निगम का। कौन सी जगह है ये? बालू घाट और सारी घाट। कौन सा वार्ड है? वार्ड नंबर 6 और 7 दोनों कम्बाइंड है। क्या नाम हुआ? मोनू।